हेलो फ्रेंड्स, दिस योर फ्रेंड दीपक कालरा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, कनाडा के बारे में एंड डैक टू फ्रॉम अ गर्ल्स प्रोस्पेक्टिव। जनरली बहुत सारी लड़कियाँ कनाडा में आती हैं एंड दे ऑल कम अलोन। बहुत सारे लोगों के तो फ्रेंड्स भी नहीं होते हैं, तो जनरली उनके पेरेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि कैसा रहेगा वहाँ पे जाके, वेदर इट इज़ सेफ, क्या करना चाहिए, पढ़ाई कैसी होती है। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए मैंने मेरी एक फ्रेंड का इंटरव्यू लिया था टू गिव यू रियल टाइम इन्फॉर्मेशन। एक्चुअली ये कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, तो मैंने इस वीडियो को छोटे छोटे पार्ट्स में कट किया, दैट विल बी पोस्टिंग इन पार्ट्स। सो स्टे कनेक्टेड, वॉच दिस एपिसोड, इट इज़ रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर द गर्ल्स। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु एक्चुअली नीड दिस इन्फॉर्मेशन। सो वॉच इट नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर फ्रेंड दीपक, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का एपिसोड कुछ स्पेशल होने वाला है, बिकॉज आज का स्पेशल एपिसोड मैंने सिर्फ गर्ल्स के लिए बनाया है। यूजुअली कनाडा आते हुए लड़कियों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एंड आई थॉट ऑफ आंसरिंग दोज क्वेश्चंस, बट बेटर है कि एक लड़की उन क्वेश्चंस के आंसर दे। सो हेयर इज़ माय फ्रेंड आशी, हु विल बी रिस्पॉन्डिंग ऑल दोज क्वेश्चंस विच यूजुअली हैज इन देयर माइंड वाइल कमिंग टू कनाडा। सो हेलो, थैंक यू आशी। Thank you for being here with me. Can you please introduce yourself? So, as you all know, I'm Ashi. मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट 7 महीने पहले आई थी। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में पढ़ रही हूँ। इट्स माई सेकेंड ईयर गोइंग ऑन। आई एम डूइंग माई सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी एंड मेरी जर्नी यहाँ पर बड़ी अच्छी रही। इट वॉजंट बैड इनफ। ओके, सो वट वॉज मीन्स ओवरऑल एक्सपीरियंस? आप 2 साल यहाँ पे कैलगरी में रह चुके हो, यूनिवर्सिटी देख चुके हो, तो कैसा लगा? मतलब कुछ प्रॉब्लम फेस हुई पर्टिकुलरली? आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, कनाडा बहुत पसंद आया, यहाँ के लोग बहुत पसंद आए? यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, कनाडा बहुत सुंदर है। बट एज अ गर्ल मैं ये चीज़ मैंशन करूँगी कि जब आप नए नए यहाँ पर आते हो, डोंट ट्रस्ट एनी वन, डोंट डिपेंड ऑन एनी वन। आप जब भी इंडिया से आते हो, आप हमेशा ये सोच के आओ कि देर इज़ नो बडी फॉर यू। एंड इन फैक्ट ये लड़कों को भी यही सोचना चाहिए कि हाँ, डेफिनेटली, बिकॉज इफ यू स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन समबडी एंड देर आर टाइम्स व्हेन नोबडी विल बी देयर फॉर यू। एग्जैक्टली। एंड आप अपने गार्जियन खुद हो, जब आप आते हो तो यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड कि आप अकेले हो यहाँ पे, नोबडी विल बी देयर टू सपोर्ट यू अनलेस योर फैमिली इन देयर इन कनाडा। बिल्कुल सही। बट कनाडा प्रिटी ऑल बहुत सेफ है, बहुत सिक्योर है एंड मेरी ओवरऑल कैनेडियन जर्नी अच्छी रही। अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं लाइफ में, बट इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स ऑल फ्रॉम यू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली। मैं और लाइक टू नो कि कनाडा आने का क्यों सोचा, व्हाई नॉट इन एनी अदर कंट्री? ओके, सो मुझे पहले ये बताना है कि मैं IBDP से थी, इंटरनेशनल बैकलोरिएट डिप्लोमा प्रोग्राम, ये इंटरनेशनल बोर्ड है। सो जब मैं इंडिया में ही थी तभी से मेरा प्लान था कि मुझे बाहर आके पढ़ना है एंड मेरे पापा के अकॉर्डिंग कनाडा बहुत सेफ एंड बहुत फ्रेंडली कंट्री है, जहाँ पर इजीली आप इमिग्रेंट, मतलब it's an immigrant country. Exactly. All the people are, most of the people are immigrants and they are the welcoming exactly. nature of the it's people. It's very welcoming country. So according to my father, this was the best place to come. And whereas मुझे University of Calgary में admission मिल गया था, which is like a top rank institute of Canada. Hmm. So इसलिए मैंने decide किया। तो University of Calgary के अलावा कहीं और भी आपने apply किया था? जी, मैंने 5 और जगह apply किया था, because according to my counselor, it's better to have options. सो मैंने 5 जगह अप्लाई किया था। दैट वॉज फर्स्ट वन वॉज यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी मैंने इसलिए चूज़ किया बिकॉज उसकी फीस कंपैरेटिवली लो थी एंड वेयर एज मुझे स्कॉलरशिप भी मिली थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में, बिकॉज मैं IP से थी। Good. I was not aware about that. She got scholarship. So means, how did you got the scholarship? Did you apply for something? On what was the total amount? I got scholarship of 5,000 and I got a waive of in one of the courses because of IP, because मुझे credits मिल गए थे IP से. So it was because of your Indian education you got waive of in one of the subjects and you got the scholarship too. Yes. Yeah, that's great. So जो लोग
आईबी से है तो दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज, दे कैन गेट द स्कॉलरशिप एंड इट कुड बी यूजफुल फॉर यू गाइस. यस, बिकॉज यू गेट क्रेडिट्स, उससे आपके कोर्स वेव ऑफ हो जाते हैं एंड यू सेव अ लॉट ऑफ मनी.